किरण, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने दिया बयान, पक्षियों को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में लोग स्वेच्छा से एयरगन का कर रहे हैं सरेंडर। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 4 लोगों की मौत। एसजीपीसी ने अमृतसर बेअदबी मामले में सूचना देने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा। कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहना जरूरी, मन की बात में बोले पीएम मोदी। ओवैसी का बयान, इंसाफ की जीत होगी कहना जुर्म नहीं, 45 सेकंड के वीडियो में झूठा आरोप लगाया जा रहा है। झारखंड के हजारीबाग में गैस टैंकर में ब्लास्ट, 3 की मौत। देश में ओमिक्रॉन के 422 केस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 संक्रमित, दिल्ली दूसरे नंबर पर। मसूरी में शिल्पा राज ने एंजॉय किया क्रिसमस, एक्ट्रेस ने शेयर की हैप्पी पिक्चर। सलमान खान को सांप ने काटा, पनवेल फार्म हाउस की घटना, जाना पड़ा अस्पताल। आजम खान की बढ़ेंगी मुश्किलें, जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी भी कर सकती है जांच। देश दुनिया और अपने शहर की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।